Hello students, good morning. Students, in that class we are going to discuss about MS PowerPoint. Students, इस class में हम किसके बारे में बात करेंगे? हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं MS PowerPoint के बारे में. अब सबसे पहले ये question arise होता है कि सर MS PowerPoint क्या है और MS PowerPoint में हम कैसे work कर रहे हैं. तो MS PowerPoint एक presentation software है. कैसा software है? एक presentation software है. Presentation क्या है? हम इस चीज को समझते हैं. Presentation मतलब होता है प्रस्तुतिकरण. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कर रहे हैं. किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं. क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट करते हैं. और प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत, और इसमें लगा दिया गया है टेशन. तो ये क्या हो गया? प्रेजेंटेशन मतलब हो रहा है प्रस्तुतिकरण. अब ये प्रस्तुतिकरण क्या है? प्रस्तुतिकरण क्या है? जैसे हम किसी भी चीज को, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं. ये एक हमारा प्रेजेंटेशन है. ये एक लाइव प्रेजेंटेशन है. उसे वैसे ही जब हम एक मूवी देखते हैं और जब हम एक कोई भी एक डेमो देखते हैं या एनिमेशन को देखते हैं, तो उसमें क्या बनाया जाता है? पहला जो व्यू होता है, क्या होता है? जो पहला व्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा कि प्रेजेंटेशन, अब यहां पर जो बात आती है MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट की बात आती है. तो जैसे इसमें से आप लोग बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि MS क्या है, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं. MS है माइक्रो. क्या है? माइक्रो. एंड S पावर होता है सॉफ्ट. तो क्या हो गया ये? माइक्रोसॉफ्ट. क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट. अब बात आती है कि ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है. क्या माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. क्या है? एक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. क्या है? ये सॉफ्टवेयर को जनरेट करती है, ये सॉफ्टवेयर को बनाती है. कौन? एमएस माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर को बनाती है. तो ये इतना आपको क्लियर हुआ होगा. आगे देखते हैं पावर पॉइंट. पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर का नाम. अब हम आते हैं कि इसको हम कैसे और कितने कैसे और किस किस स्टेप से इसको हम ओपन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं. तो देखते हैं, सबसे पहला जो आता है यहां पे स्टार्ट बटन से आता है. स्टार्ट बटन से आता है. अब ये स्टार्ट बटन हमको कहां मिलती है? स्टार्ट बटन का यूज कहां पे है और किस कॉर्नर में मिलती है? तो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में कुछ इससे इंट्रोड्यूस करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहां पर इसको हमने क्या बताया था, याद होगा आपको? तो इसको हमने आपको क्या बताया था? टाइटल बार बताया था. टाइटल बार कौन है? टाइटल बार ये है, और ये क्या है? टास्क बार है. क्या है? टास्क बार है. और टास्क बार के कॉर्नर में हमको एक आइकॉन से दिखता है जो सर्कल में होता है. इसी को हम बोलते हैं स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेनू. कहेंगे स्टार्ट मेनू बोलते हैं. अब बात आती है इसके यूजेस को हम कैसे करते हैं. इसका यूज हम इस तरीके से करते हैं, जब हम राइट क्लिक करते हैं तो ये आल प्रोग्राम्स यहाँ पे दो ऑप्शन हमको देता है. पहला ऑप्शन जो होता है आल प्रोग्राम्स का होता है. क्या होता है? आल प्रोग्राम्स का होता है. और दूसरा ऑप्शन जो होता है वो सर्च ऑप्शन का होता है. किसका होता है? वो सर्च ऑप्शन का होता है. तो आप हम सबसे पहले किस कहां से देखते हैं? आल प्रोग्राम से देखते हैं, उसके बाद हम सर्च ऑप्शन से देखेंगे. कहने का बस यहाँ पे आ रहा है, हमको दो थिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, हमको समझा रही है, बता रही है कि पहली जो है, पहली फर्स्ट क्या है, हम कहां से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कहां से क्रिएट कर सकते हैं. तो पहली जो स्लाइड आ रही है, पहला जो व्यू आ रहा है, वो आ रहा है प्रोग्राम का आ रहा है. दूसरा कौन सा आ रहा है? दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा सर्च बॉक्स से. और तीसरा हम आपको भी, तो देखिए ना, पहले हम आर प्रोग्राम में जाएंगे. आर प्रोग्राम हमको कहां मिलेगा? स्टार्ट मेनू पे मिलेगा. हम स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते हैं और हमारा पूरा स्टार्ट प्रोग्राम क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है. अब यहां पे हमको क्या मिलेगा? यहां पे हमको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे. क्या मिलेंगे? बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलने वाले हैं. तो अगर हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर, हम पर्टिकुलर किसी पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर
होता है कि यहाँ पे वो आपको वो नहीं शो करता है, मान लीजिए आपको यहाँ नहीं शो कर रहा है, उस कंडीशन में आप कहाँ जाएंगे, सर्च बॉक्स पे जाएंगे, उस कंडीशन में आप कहाँ जाएंगे, सर्च बॉक्स में जाएंगे। तो ये तो बात हो गई दो स्टेप से इसको फाइंड आउट करने की। अब हम आते हैं इनके फीचर्स पे, कहाँ पावर पॉइंट के फीचर्स पे। अब पावर पॉइंट के जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो आप सबसे पहले दो चीज आप समझ चुके हैं, पहला टाइटल बार आप समझ चुके हैं, दूसरा टास्क बार आप समझ चुके हैं। तो आगे इसमें हम आपको बताते हैं यहाँ पे होता है ये जो एरिया होता है कौन सा एरिया जहाँ पे सभी ऑप्शंस दिए होते हैं हमको, इसको हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। इस चीज को याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। और इस चीज को क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। अब रिबन की यूजेस क्या है? रिबन में रिवर में हमको जो ऑप्शन मिल रहे हैं इन्हीं ऑप्शन के यूज से हम एक प्रेजेंटेशन, हम एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला हम यहाँ पे एक लेते हैं होम टैब, लेते हैं क्या लेते हैं? होम टैब लेते हैं। अब हम होम टैब में जाते हैं तो हमको पहला जो ऑप्शन मिल जाए वो कट मिल जाता है, फाइल मिल जाती है, कट मिल जाता है, पेस्ट मिल जाता है। अब फाइल, कट, पेस्ट, सैलरी, इसको थोड़ा सा हम यहां से रेस करते हैं। देखिएगा सैलरी दूसरा जो आता है इटैलिक आता है, बोल्ड आता है और अंडरलाइन आता है। इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, अभी हम इतने ही ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर और जो भी ऑप्शन है अदर ऑप्शन पे हम बात करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम फाइल को देखते हैं। फाइल क्या है? यहां से हम फाइल को ओपन करेंगे, लेकिन जब तक कोई मैटर, कोई भी डेटा आप यहां पे एंटर नहीं किए हैं, यहां पे फिल नहीं किए हैं, तब तक आपका कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप कब कर सकते हैं? जब आप यहां पे कोई डेटा या कोई अपना डेटा एंटर किए हैं या कोई कॉन्टेंट एंटर किए हैं, तब आप यहां पे कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कट कॉपी पेस्ट को हमने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। आपको अगर आपको ये नहीं क्लियर है तो आप पीछे की दो वीडियो फाइंड आउट करके वहां पे देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन पार्ट 2 नाम से होगी, तो आप देखेंगे। फिर हम क्या करते हैं? होम टैब पे आते हैं। होम टैब पे आने के बाद हम क्या करते हैं? स्लाइड को सेलेक्ट करते हैं। और स्लाइड सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहां एक स्लाइड पैन बनता है और यहां पे एक स्लाइड बॉक्स बनता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आप यहां पे जो स्लाइड पैन सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? स्लाइड पैन सेलेक्ट करते हैं। स्लाइड पैन सेलेक्ट करने के बाद आप स्लाइड सेलेक्ट करते हैं, वो कहां पे शो होती है? स्लाइड पैन पे शो होती है। आपने स्लाइड सेलेक्ट कर लिया, अब आप क्या कर रहे हैं इसमें? कहां पे? यहां पे लिखा रहता है क्लिक। क्या टाइप रहता है क्लिक? मतलब ये एक वाटरमार्क टाइप का होता है, यहां पे हमको दिखता है, उसी पे हमको क्या करना रहता है? कर्सर को आप एक बार सिंगल क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने डेटा को एंटर करना शुरू करते हैं। अब ये जो पहली स्लाइड हमने ओपन कर रखी है आपके सामने, देखिएगा उस पे हम वर्क कैसे करते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये हमारी पहली स्लाइड है। क्या है? हमारी पहली स्लाइड है। तो पहली स्लाइड जब हम ओपन करते हैं या कहीं भी हम जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, या हम जिस चीज के बारे में बताने वाले हैं उसको क्या करते हैं? उसके अबाउट एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कभी हमसे कोई पूछता है कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो, तो हम क्या बताते हैं? हम डायरेक्ट वहां की जो फैसिलिटीज है उसके बारे में नहीं बताते। हम क्या बताते हैं? पहले इंट्रोडक्शन बताते हैं कि माय स्कूल इज पीडीएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भारतीय नगर प्रतापगढ़। तो हमने क्या किया? हमने पहले उसके बारे में बताया, उसका एक छोटा सा कंटेंट उसको इंट्रोड्यूस किया। तो वही सबसे पहले हम किसी भी प्रेजेंटेशन में करेंगे। जैसे आपको कह दिया जाता है कि आप प्रेजेंटेशन बनाइए, अब आपको बताया जा रहा है कि आप स्कूल की प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्कूल का डेटा फिट करेंगे, स्कूल का नाम डालेंगे, स्कूल को इंट्रोड्यूस करेंगे इस तरीके से। और आपको मान लीजिए कभी किसी कंपनी में काम किया या जो कंपनी एम्प्लॉयज होते हैं ऑफिस के उनसे कहा जाता है, तो उनकी जो ऑफिस होती है, जो उनका नाम है, जैसे अभी एमएस वर्ड का बोला जाए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट टाइप करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आप क्या करते हैं? अब जब आपकी ये फर्स्ट
हो जाती है, आपकी फर्स्ट स्लाइड क्लियर हो जाती है, आप इसको डन करके, डन कैसे करेंगे? अब यहां पे आपको एनिमेशन ऑप्शन आएगा, एनिमेशन ऑप्शन पे जाएंगे, एनिमेशन ऑप्शन पे जाने के बाद क्या करेंगे, अब यहां पे व्यू आता है। अब आप ध्यान देंगे एनिमेशन ऑप्शन पे जब आप जाते हैं तो यहां पे आपके बहुत सारे एनिमेशन शो पे होते हैं, वो ऑप्शन आपका व्यू में होगा। अगर आप व्यू को सेलेक्ट करते हैं तो इसके अलग अलग फीचर्स और अलग अलग मूवमेंट के एनिमेशन होते हैं, जो आप सेलेक्ट करते हैं वो होगा। और यहाँ पे आपको कलर ऑप्शन भी मिलता है, कलर ऑप्शन मिलता है, आप इसको कलर करेंगे इटैलिक बोल्ड अंडरलाइन जिस ऑर्डर में, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे डिजाइन करते हो। तो आप इसको यहां से डिजाइन कर सकते हैं, यहां से हमारी फर्स्ट स्लाइड क्लियर होगी, सेकंड स्लाइड भी आप ऐसे